संभव में रहने के लिए ऑल द टाइम ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये संभव का गुण जो है वो किसका है. एंड द क्वालिटी ऑफ संभव इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, आत्मा. आत्मा का गुण है सम परिणाम. जब तक मैं आत्मा हूँ तब मुझे इस बात का स्मरण रहेगा और मैं संभव में रहूँगा. मैं जैसे ही आत्मा भूलकर नीलेश बन जाऊँगा तो फिर मैं नीलेश का जो नेचर है आई विल बिहेव अकॉर्डिंगली. तो जैसे कोई कर्म का उदय आता है और क्रोध का उदय है, और जब भी मैं क्रोध में अगर ऐड करता हूँ सो इट्स डेफिनेट कि मैं नीलेश बन जाऊँगा, तो मैं सामने वाले के साथ कषाई करूँगा, क्रोध करूँगा. जैसे ही मुझे स्मरण आएगा मैं आत्मा हूँ, एंड द मोमेंट दिस लाइन रन्स इमीजिएटली हमें उस आत्मा का गुण का स्मरण होता है सम भाव, एंड इमीजिएटली वी जस्ट स्टे काम और हम सम परिणाम. यानी सामने वाला कुछ भी कहे मैं आत्मा हूँ, इनसे अलग हूँ और मैं शांत हो जाता हूँ. जितनी बार ये स्मरण रहेगा उतनी बार संभाव रहेंगे. नाउ जब ज्ञानी को हम अवलोकन करते हैं और देखेंगे तो ज्ञानी जो भी कर्म जब भी उदय में आते हैं तभी वी सी डिफरेंट डिफरेंट कर्म उनको भी आते हैं. खाना खाने बैठते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं, देह की कोई भी क्रिया करते हैं, अलग अलग कर्म हम देखते हैं कि उनको भी आते हैं. लेकिन वो तो ऑल द टाइम आत्मा से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो एक कांस्टेंट अंतर से उनका जो कांस्टेंट है संभाव, वो ऑल द टाइम चालू रहता है बिकॉज दे आर अटैच विद द आत्मा. हमारे में ये हो जाता है कभी हम आत्मा के साथ है उस समझू आत्मा के साथ, और कभी कभी हम अज्ञान आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं तब हम क्रोध करते हैं. समझू आत्मा के साथ जुड़ेंगे तब हम संभाव करते हैं. बस ये प्रैक्टिस जितनी चालू रहेगी उस हिसाब से सम परिणाम जो है प्राप्त हो सकता है. अगर हम आत्मा को याद नहीं कर सकते तो हम उस परम आत्मा की प्रेरणा लेके उनका जब स्मरण करेंगे तब हमें इमीजिएटली पता चलता है कि उनमें कितनी समता थी, और उस समता का बल लेकर हम भी प्रयत्न करते हैं कि अगर उनको इतने उपसर परिश्रम में इतनी अगर समता रह सकी तो फिर मुझे भी थोड़ी समता अभी से शुरुआत करनी है. और इस तरह से संभव की प्रैक्टिस करते करते हमें ये चीज़ प्राप्त हो सकती है.